नमस्ते। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है जब आप DHA, जो कर्ली लीफ एडेनियम की वैरायटी है, उसको हम ओबीसम पे या अरेबिकम पे हम ग्राफ कर देते हैं। तो क्या होता है, जो एडेनियम की कर्ली लीफ है वो स्ट्रेट हो जाती हैं, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसा इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये मैंने प्रोग्रेशन बनाया है, इसको आप पॉज करके डेट वाइज देख सकते हैं। तो इस वीडियो का, इस ग्राफ्टिंग का मैं आपको मोटिव बताना चाहता हूँ। तो मोटिव ये था कि एडेनियम की ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है DHA की, अगर हम उसे ओबीसम पे ग्राफ करते हैं। तो क्या फ्लावरिंग के बाद जो सीड पॉड बनेंगे, क्या उनकी सीडलिंग्स भी DHA होंगी? पहला मोटिव तो ये था। दूसरा मोटिव ये था कि हम प्लांट को डिज़ायरेबल साइज़ का ग्रो करके उसको हम डीग्राफ कर लेंगे और उसे फिर हम रूट करेंगे, तो वो रूट ट्रेन प्लांट भी हो जाएगा और प्लांट बैक टू कर्ली लीफ भी आ जाएगा। तो हमारे ये दो मोटिव थे इस ग्राफ्टिंग को करने के लिए। आप वीडियो में ग्राफ्टिंग जो जॉइंट है हमारा देख सकते हैं। ये सीडलिंग मैंने ग्राफ की थी, जो प्रोग्रेशन फोटो थी ये वही सेम प्लांट का अपडेट इसके अंदर आप देख पा रहे हैं। तो ये करीब 1.5 साल की ग्रोथ है, 1.5 साल में प्लांट मैच्योर हुआ है और फ्लावरिंग आप देख ही सकते हैं कितना भर के इसके अंदर फूल आया है। और ये शायद अगर ये DHA अपनी रूट्स पे होता, शायद इतनी ज़्यादा ग्रोथ इसमें ना आती। 1.5 साल में इतनी लंबी हाइट का प्लांट ऑन रूट तो नहीं होता। और ये मेरे और दूसरे प्लांट मैंने ओबीसम पे DHA की कटिंग लगाई थी, ग्राफ की थी, तो इसके एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। ये DHA की वैरायटी टू वैरायटी भी डिपेंड करता है कि कर्ली लीफ कितने आएंगे। जो आपने पिछला प्लांट देखा उसके लीफ इतने कर्ली नहीं थे, इसके अंदर थोड़ा आप कर्ल देख सकते हैं। इस लीफ में आप इसके प्लांट के लीफ में कर्ल देखिए। और ये इसका ग्राफ्टिंग रीजन है, यहाँ से मैंने ग्राफ्ट किया था। इसको भी शायद 1-1.5 साल हो गया है, 1 साल शायद हो गया इसको मैंने ग्राफ्ट किया था। इसके अंदर कर्ल आप देख सकते हैं। तो सेम ये मैंने प्लांट रखे हुए हैं पॉलिनेशन के लिए, मैं इनको यूज़ करूँगा सीड प्रोडक्शन के लिए। ये एक और एग्जांपल है प्लांट का, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने DHA को मैंने ओबीसम पे ग्राफ किया है। इसका ग्राफ्टिंग पॉइंट आप देख सकते हैं। इसकी लीफ में भी कर्ल है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये भी DHA ग्राफ्टेड है। तो ये सारे मेरे प्लांट्स मैंने अपने पास इसलिए तैयार करे हैं, ये सारे मैं इन पे देखना चाहता था कि इनका जो सीड प्रोडक्शन होगा, क्या इनके सीडलिंग्स भी DHA निकल के आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारे प्लांट्स और जो ये सीडलिंग मैंने ग्राफ की थी जिस पे फ्लावरिंग आ रही है, ये तो इस पे मैं इसको रूट ट्रेन करूँगा इन फ्यूचर डिज़ायरेबल साइज़ का होने के बाद। सो ये मेरा वीडियो थी, होप यू लाइक इट, थैंक यू।